हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जेट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग समझते होंगे कि मतलब जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। एंड वो मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। तो ये दो न्यू टर्म्स आपके सामने हैं। सो मैलिएबल वो होते हैं जब हम किसी मेटल को जब बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा गोल्ड। और डक्टिलिटी, डक्टाइल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को वो करते हैं, बीट करते हैं तो वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कॉपर को अगर हम करेंगे ना बीट तो वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इन सब के एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। उनके केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे भी मेटल्स को डिफाइन किया गया है। अगले हमारे आ जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए मेटल्स नॉन मेटल्स से तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। ना तो वो मैलिएबल होते हैं, ना वो डक्टाइल होते हैं, ना ही वो ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो ब्रेक नहीं होते, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जितने भी आपकी गैसेस जितनी भी हैं ये सब आपके उसके एग्जांपल्स होते हैं। ब्रोमीन जो है वो नॉन, हाँ, ये सारे आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। और केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर नॉन मेटल्स को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है, जो कि नेगेटिव वो होते हैं, आयन जनरेट करते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर, जैसे कि बोरोन, सिलिकन, आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ये मेटलॉइड है। जर्मेनियम, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है अक्रेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो मेटल्स तो हमारे अर्थ में बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं एबंडेंस में। एल्यूमिनियम बहुत एबंडेंट मेटल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हमारे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी हैं, पर ये डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ये। और बहुत सारे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव भी होते हैं, नहीं भी होते, तो वो फ्री स्टेट में होते हैं कुछ, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होती है तो वो दूसरे कंबाइन एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन वगैरह, ये सब क्या होते हैं, सब कंबाइन हो जाते हैं। और फिर एक कंपाउंड, जैसे ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर क्या बनाएगा, सल्फाइड बनाएगा, क्लोरीन क्लोराइड बनाएगा। सो ये जो मेटल्स हैं ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंबाइंड एकदम, ठीक है। कंबाइंड का मतलब पता है, मिनरल्स उनको कहते हैं। मिनरल्स सॉलिड होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं होते, नेचुरली अग्रिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। उनका एक केमिकल फार्मूला भी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उनका। सारे एलिमेंट्स अर्थ के जो हैं वो एटलीस्ट वो वन मिनरल तो है ही, ठीक है। मेटल्स को जो है प्रॉफिटेबल यूजेस, मतलब फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया जाता है, इकोनॉमी के उसके तौर पर भी, ठीक है। और कुछ रॉक्स जो हैं जो मेटल से एक्सट्रैक्ट होते हैं प्रॉफिटेबल यूज़ के लिए, उनको ओर्स कहते हैं, ध्यान रखना। सच रॉक्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से वो पत्थर, वो रॉक जहाँ से मेटल को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबल यूज़ के लिए, उनको ओर्स कहते हैं। ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेमाटाइट, आयरन, ठीक है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, सॉल्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब आपको सी वाटर में मिल जाएगा। एंड जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो भी होता है, उनके ओर्स को, जो भी उनका ओर्स है जहाँ से उन्हें निकाला गया है, उसको मेटलर्जी कहते हैं, ये भी टर्म याद रखना, ठीक है। और हमारे मेटल्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं या जो अनरिएक्टिव होते हैं वो तो फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। वो कौन से आ गए मैं आपको बताती हूँ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, ठीक है। सो ये आप याद रखना, ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।